हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं HVZ रिएक्शन, दैट इज हेल वोल्हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन। सो इस रिएक्शन को हम सिंपल से ट्रिक से लर्न करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या होगा। HVZ के पास कार है जिसका कलर रेड है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो कार से हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और है से आपको याद रखना हैलोजनेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजनेशन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और इसी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट, यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करना, हैलोजनेशन करवाना, ठीक है। कार से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, है से हैलोजनेशन। तो यहाँ पर हैलोजन ग्रुप आप ले सकते हो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं Cl2। देन नेक्स्ट, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड, ठीक है, कार का कलर क्या है, रेड है, तो यहां पर आपको याद रखना है रेड फॉस्फरस। ओके, एंड सेकेंड इज H2O, दैट इज वाटर। ओके, सो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहां पर देखिए, यहां पर क्लोरीन के 2 एटम है। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो एक क्लोरीन का एटम है वो यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस हाइड्रोजन जगह पर क्या आ जाएगा, एक क्लोरीन एटम आ जाएगा, और वो हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ है ये और ये वाला जो क्लोरीन है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो HCl यहाँ पर बाहर निकल गया, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन एटम, एंड हियर COOH। ओके, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज बाई प्रोडक्ट। सो दिस इज अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड।